हाय एवरीवन, दिस इज नेहा फ्रॉम राजकुमारी ड्रेस अप लाइक अ प्रिंसेस। और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है जीरो वेस्ट स्टिचिंग मॉडल। किस तरीके से जीरो वेस्ट स्टिचिंग मॉडल हमारी फैक्ट्री में एकम्प्लिश हो रहा है और क्या होता है ये जीरो वेस्ट स्टिचिंग मॉडल, एंड इस प्रोसेस को अपनाने के बाद एनवायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा, आज इन चीजों के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि होता क्या है ये जीरो वेस्ट स्टिचिंग मॉडल। इसमें क्या होता है, हम ट्राई करते हैं जरा भी फैब्रिक वेस्ट ना निकले हमारी फैक्ट्री से। जैसे हमने ये ड्रेस डिजाइन किया और इस ड्रेस की कटिंग होने के बाद जो भी हमारा फैब्रिक निकल रहा है उससे हम कुछ ना कुछ छोटी मोटी एक्सेसरीज बनवा लेते हैं, या फिर कुछ लेसेस बच रही हैं उनसे हम पैच वर्क करा लेते हैं। तो इस तरीके से हम मिनिमम वेस्ट जनरेट करना चाहते हैं और इन चीजों का एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। एक रिसर्च में मैंने ये देखा कि दुनिया का जो 10% इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहा है वो फैशन इंडस्ट्री से निकल रहा है। फास्ट फैशन इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, और एज अ फाउंडर ऑफ अ ब्रांड हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ करें और ना केवल हम पैसे ही बनाएं बल्कि हम एनवायरनमेंट को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ दे करके जाएं। तो इसके लिए हमने ये एक मॉडल अपनाया है, इससे कुछ परसेंट, कुछ हद तक तो कमी हो जाएगा इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो होता ये है, जैसे कि कोई फास्ट फैशन ब्रांड्स है बहुत सारे, H&M है, शीन है, तो ये लोग एक्सक्लूसिविटी को मेंटेन करने के लिए ये बहुत सारे जो डिजाइन होते हैं उनको बर्न कर देते हैं एनवायरनमेंट में, जो कि बहुत ही ज्यादा कार्बन एमिशन होता है जिनकी वजह से। तो हमारा जो हम लोग एकम्प्लिश कर पा रहे हैं हमारी फैक्ट्री में जीरो वेस्ट स्टिचिंग मॉडल के थ्रू, और हम क्या क्या तरीके अपनाते हैं, तो उनमें से सबसे पहला तो यही है कि हमने अपनी पूरी टीम को ट्रेन कर रखा है कि हमें कम से कम वेस्ट निकालना है। बिल्कुल भी ट्राई करना है कि हम छोटी से छोटी चीज का कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें कवर करते हैं कि हम बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा बल्क में चीजें प्रोडक्शन करवा के रख ली और फिर वो नहीं सेल आउट हो रही हैं, तो एक तरीके से वो भी वेस्ट ही जनरेट हो रहा है, तो हम बहुत ही लिमिटेड ही प्रोडक्शन करवाते हैं। दूसरा चीज, कुछ भी बचता है तो हम उनकी एक्सेसरीज बनवा लेते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने नए प्रोडक्ट्स में उन वेस्ट को यूज करने की कोशिश करते हैं, और हम ट्राई करते हैं कि हमारा कोई भी डेड स्टॉक ना बचे, चाहे हम उनको बहुत ही कम प्राइस पे सेल ऑफ कर दें लेकिन हम डेड स्टॉक को बहुत बचा मिनिमम करने की कोशिश रहती है हमारी। चौथा पॉइंट है कि हम लोग ओल्ड आउटफिट्स को रिक्रिएट करके न्यू आउटफिट्स में भी कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिनमें हमने कस्टमर्स की ओल्ड साड़ीज से बहुत ही बढ़िया इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स बना दिए, जिससे ये लगता है कि बिल्कुल ही हमने कोई नया आउटफिट पहना है, और रीयूज, रिसाइकल, और इस तरीके से हम लोग सस्टेनेबिलिटी को भी मेंटेन कर पा रहे हैं। हम पुराने प्रोडक्ट से, पुरानी साड़ी से हम कुछ और क्रिएट कर सकते हैं, और पुराने आउटफिट्स में हम कुछ नया क्रिएशन डाल के हम उसे बिल्कुल ही नया बना सकते हैं। और एक और हमने नई मुहिम स्टार्ट करी है जिसमें हम ट्राई करते हैं कि हम एक ऐसा आउटफिट बनाएं जिसको हम 7 से 8 तरीकों में पहन सकते हैं। सेम आउटफिट को आप 7 से 8 तरीकों से पहन सकते हैं और हर एक तरीके से वो बिल्कुल ही नया और बहुत ही डिफरेंट आउटफिट लगेगा। इसके लिए भी मैंने एक 7-in-1 गाउन किट्स का बनाया है, वो वीडियो भी आप जाकर के हमारे चैनल पे देख सकते हैं, तो किस तरह से एक ही गाउन को हम 7 अलग अलग तरीकों से पहन सकते हैं, और इससे हमारी कॉस्ट भी सेव होती है, प्लस हमें हर एक ओकेजन के लिए एक नया गारमेंट भी नहीं खरीदना पड़ता है। तो ये कुछ कुछ तरीके हैं जो कि मैंने अपनाए हैं हमारी फैक्ट्री में, ताकि हम लोग एनवायरमेंट के लिए भी कुछ कर सकें, और हमने स्ट्रिक्टली अपनी फैक्ट्री में ये अप्लाई कर दिया है जीरो वेस्ट स्टिचिंग मॉडल को। तो टीम का हर मेंबर इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि वेस्ट ना जनरेट हो। तो फास्ट फैशन और कंपटीशन की इस दुनिया में हमें ट्रेंड भी मेंटेन करना है, हमें प्राइस भी मेंटेन करना है, जो कि हम अचीव कर पाते हैं पॉलिएस्टर फैब्रिक्स को ही यूज करके।
उसे तो हम नहीं कम कर सकते, लेकिन हम जहाँ पे बचा सकते हैं एनवायरनमेंट को हम वहां पे पूरी कोशिश करते हैं। इन फ्यूचर हमारे पास अच्छा फंड होगा तो हम ट्राई करेंगे उन फैब्रिक्स को यूज करना जो कि कम्प्लीटली एनवायरनमेंट में डिजोल्व हो पाए। तो अगर हमें कभी फंड मिलता है या कहीं से हमारा अच्छा बिजनेस चलेगा, वी विल इमीडिएटली स्विच टू दोज फैब्रिक्स जो कि एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। तो थैंक यू, ये है हमारी एक पहल एनवायरनमेंट को बचाने की। आप लोग भी क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में जिससे कि आप एनवायरनमेंट पे कुछ इम्पैक्ट डाल सकें, तो प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइए और शेयर करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों को एनवायरनमेंट पे जो इम्पैक्ट हो रहे हैं लोग उनके बारे में भी सोचें, और हम और क्या क्या स्टेप्स अप्लाई कर सकते हैं हमारी फैक्ट्री में वो भी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। मोस्ट वेलकम टू एवरीबडीज आइडियाज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। इसी तरह से फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और सपोर्ट करिए राजकुमारी ड्रेस अप्लाई का प्रिंसेस को। थैंक यू।